नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुशासन को समर्पित रहे हैं। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि हमने जनता को जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए। अब हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि इन 100 दिनों में भूमाफियाओं और अपराधियों पर सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। 100 दिनों में प्रदेश की सरकार ने 844 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया है। यूपी में बीते 100 दिनों में 10,000 सरकारी नौकरी दी गई है। प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की, इस दौरान हम लोगों ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला। गर्मी की छुट्टियों के बाद वाराणसी के ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले में आज सुनवाई शुरू हुई। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में ये सुनवाई हुई। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने पूरे 51 बिंदुओं पर अपनी दलीलें रखी। वहीं अब इस मामले में कोर्ट ने 12 जुलाई को सुनवाई करेगा। कोर्ट रूम में सिर्फ 40 लोगों को जाने की अनुमति दी गई थी। मीडिया को कोर्ट रूम से बाहर रखा गया था। इसके अलावा संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट रूम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। खबर कानपुर से है, जहां 13 करोड़ की लागत से गंगा बैराज में बनाए गए वोट क्लब के कार्यों की गुणवत्ता जांचने प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग गुपचुप तरीके से पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। दरअसल प्रमुख सचिव ने यहां टाइल्स की गुणवत्ता देखने पहुंचे। सिंचाई विभाग द्वारा गंगा बैराज में बनाए गए वोट क्लब काम की गुणवत्ता की शिकायत का शासन से दर्ज हुई थी, जिसकी जांच चल रही है। खबर गोंडा से है, जहां अवैध मिट्टी खनन की खबर कवरेज करने गए पत्रकार के साथ दबंगों ने मारपीट कर जान माल की धमकी दी है, जिसको लेकर थाने में पीड़ित ने तहरीर दी। थाना अध्यक्ष ने पत्रकारों को शीघ्र ही मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। खबर कानपुर से है, जहां बीच सड़क पर स्टंट करने वाले का एक वीडियो सामने आया है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। आपको बता दें कि वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से युवक बाइक के दोनों ओर दूध के डब्बे होने के बाद भी बाइक पर खड़े होकर सड़क पर दौड़ रहा है। खबर कानपुर से है, जहां मेट्रो की चुन्नीगंज और नयागंज के बीच 4 किलोमीटर लंबी भूमिगत सेक्शन की टनल का निर्माण का काम शुरू हो गया है। बता दें कि बड़ा चौराहा से नयागंज की दिशा में उड़ान लाइन की खुदाई के लिए टीबीएम के माध्यम से अपलाइन की टनल का निर्माण किया जाएगा। वहीं क्रांतिकारियों की स्मृति में शहर से खास रिश्ता रखने वाले नाना राव पेशवा और तात्या टोपे के नाम पर टीबीएम मशीनों का नाम नाना और तात्या रखा गया है। मैं आज सुशील कुमार, एमडी यूपीएमआरसी, आप सब लोगों का इस शुभ अवसर पर स्वागत करता हूं। आज का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत शुभ है, जब कानपुर के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है और यूपी मेट्रो
आज से अंडरग्राउंड मेट्रो की टनलिंग का काम शुरू कर रही है। आपने अभी देखा कि हमारी जो टनलिंग मशीन है उसको हम लोगों ने नीचे ऑलरेडी उतार दिया था और आज उसके कटिंग का काम शुरू हो गया है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना खुटार क्षेत्र के गांव रजमना का है, जहां पे प्राथमिक विद्यालय में कोटा के चयन को लेकर खुली बैठक चल रही थी। इस दौरान चयन को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए और दोनों में विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खबर बुलंदशहर से है, जहां सिकंदराबाद, औरंगाबाद और स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें बड़े गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई में अलग थाना क्षेत्रों में 6 लूट के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि अलग इलाकों में लोगों को लूट का शिकार बना चुके हैं। एसएसपी श्लोक कुमार ने प्रेस वार्ता कर लूट की कई वारदातों का खुलासा किया है और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। ये आज प्रातः मुठभेड़ के दौरान दो शातिर अपराधी, जो कि एक लंबे चौड़े गैंग के सदस्य थे, उनको आज गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले यहाँ एक फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूट हुई थी थाना सिकंदराबाद क्षेत्र में, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए गए थे, और उससे ही आसपास एक फौजी अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, उसको रोककर उसकी कुंडल की लूट की गई थी। इस संबंध में यहाँ मुकदमे पंजीकृत थे और सिकंदराबाद की, औरंगाबाद की और एसओजी की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था, जिसके क्रम में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए हैं और 4 अन्य लोग हैं। खबर मथुरा से है, जहां जिला जेल में बंद कैदी ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली, जिसके बाद आनन फानन में मृतक को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला कारागार मथुरा में एक विचाराधीन बंदी हरि सिंह सन ऑफ धर्म सिंह उर्फ धर्मो ने बैरक संख्या 7 के पीछे जो पिलर था उसमें कपड़े की रस्सी बनाकर आत्महत्या कर लिया। बंदी जो है डीपी एक्ट में निरुद्ध था, उसकी जेल निरुद्धि तिथि जो थी 23/5/2021 थी। उसके साथ में उसकी पत्नी और उसका बेटा इसी कारागार में निरुद्ध थे। प्रारंभिक जांच में हमने पाया है कि जो बंदी था उसकी आज ही अपनी बेटी से उसने बात कराया, और बात जो फ़ोन की रिकॉर्डिंग है उसमें यह प्राप्त हुआ है कि वह बंदी जो है रजामंदी मतलब बच्ची से रजामंदी न होने के कारण और जमानत न होने के कारण और त्वरित केस प्रक्रिया चलने के कारण वो जो है डिप्रेशन में आ गया था वार्ता के उपरांत, और इसने त्वरित डिसीजन निर्णय लेते हुए आत्महत्या का प्रयास किया। आत्महत्या जब वो कर रहा था तो कुछ बंदियों ने जो उस बैरक के थे उन्होंने देख लिया उसको, तत्काल उसका पैर हिल रहा था और उसने जो खाया था वो वोमिटिंग कर रहा था, उसको तत्काल प्रभाव से उसको जो है जेल अस्पताल में ले गए, जहाँ पे जेल अस्पताल के डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन वगैरह लगाई और इंजेक्शन लगाते हुए ही अविलंब उसको। खबर बलिया से है, जहां जूनियर हाई स्कूल के बच्चों के स्कूल की दीवार फांदकर अंदर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें कि स्कूल का गेट बंद होने की वजह से स्कूल की दीवार फांदकर अंदर जाना पड़ा। वहीं इस मामले को लेकर बीएसए मनीराम सिंह का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कर पता किया जाएगा कि आखिरकार समय से स्कूल का गेट क्यों नहीं खुला और वहां मौजूद शिक्षक क्यों देरी से स्कूल पहुंचे। बता दें कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन हुआ मुझे पदभार ग्रहण किए हुए, मैं इस चीज़ को देख पाता हूँ कि विद्यालय की स्थिति क्या थी, समय क्या रहा होगा, इसकी जानकारी करके आपको हम बताएंगे कि अध्यापक समय से आए थे कि नहीं आए थे। अगर ऐसी बात होगी तो अध्यापक के खिलाफ उसको स्पष्टीकरण जारी किया जाएगा।
खबर सोनभद्र से है, जहां पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद के सभी प्रभारी ने चौकी क्षेत्रों में पड़ने वाले बैंकों की चेकिंग कर सुरक्षा का एहसास दिलाया और इस दौरान वाहनों को चेक किया गया और बैंक में मौजूद लोगों को सुरक्षा के दृष्टिगत जागरूक किया गया। वहीं बैंक ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को सतर्क रहते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।